वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे तीन चीजें मेनली डिपेंड करती हैं। वन इज हाफ लाइफ, वन इज कंसंट्रेशन और यू कैन से रेट, एंड थर्ड वन इज यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के को हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। बेटा अगर हमने ये लिखा है आर प्रोपोर्शनल और इक्वल टू के सी रेस टू द पावर एन, तो बच्चों यहाँ जो एन है This is basically order of reaction. तो अब हमें देखना है unit of k. तो k क्या है? Rate constant या specific rate. तो obviously k का formula आ रहा है r divided by concentration raised to power n. और r क्या है बच्चों? Obviously it is concentration per unit time. तो अगर हम unit के बारे में अगर बात करें तो r की जगह concentration per unit time और concentration की power n ये हमारे पास देख रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर 1 माइनस एन टाइम माइनस 1। बच्चों कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर 1 माइनस एन, इन जनरल कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में है, उसकी पावर 1 माइनस एन है टाइम की माइनस 1। और अगर हम इसको और एक्सपैंड यानी इस ब्रैकेट को भी फाइनली ओपन कर दें तो एक जनरल हमारे पास यूनिट ऑफ के आ जाएगी लीटर की पावर एन माइनस 1, मोल की पावर 1 माइनस एन और टाइम माइनस 1। तो ये यूनिट ऑफ के आ गया। ठीक है, तो के की अगर आपको यूनिट या स्पेसिफिक रेट की अगर आपको यूनिट चाहिए देन इट इज लीटर रेस टू द पावर एन माइनस 1, मोल रेस टू द पावर 1 माइनस एन, टाइम माइनस 1। मतलब अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज एन की वैल्यू बेटा हो गई है जीरो। अब अगर n की वैल्यू जीरो है, यहाँ आप जीरो पुट अप कर दीजिए तो यहाँ पे आप k की यूनिट में मिलेगा आपको यहाँ माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम या मोल की पावर प्लस वन है उसे क्या लिखें, मोल दैट इज लीटर माइनस वन टाइम माइनस वन, मोल पर लीटर पर टाइम जीरो ऑर्डर में k की वैल्यू आई। और आपको याद होगा मोल पर लीटर पर टाइम ही रेट की यूनिट होती है चाहे कोई भी ऑर्डर हो। तो जीरो ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जहां रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम या पर सेकेंड मिनट आवर व्हाटएवर यू कैन से ये है। बच्चों अगर फर्स्ट ऑर्डर में यही वाली बात पुट अप करें हम तो आई होप सो क्लियर है आपको। फर्स्ट ऑर्डर में वन और एन की भी वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, तो इसका मतलब मोल की पावर भी जीरो आ रहा है, लीटर की पावर भी जीरो आ रहा है और टाइम माइनस वन बचा है। तो ये टर्म तो हट गए दोनों, तो सीधा आप कहेंगे टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या और कोई टाइम की यूनिट आ जाएगी। तो अगर टाइम इनवर्स होगा तो बच्चों ये कहलाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेटली अगर सेकेंड या इसके आगे का कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखना है आपको लीटर की पावर में, पहले आप लीटर लिख लीजिए ज्यादा इजी लगेगा, लीटर की पावर में एन माइनस वन कर लीजिएगा एंड देन मोल की पावर वन माइनस एन। और डायरेक्टली आई मीन टू से ये सेकेंड ऑर्डर है, टू में से वन गया वन बचा तो मोल की पावर माइनस वन हो गया एंड टाइम माइनस वन। ठीक है, टाइम हमेशा ही माइनस वन होता है, लीटर और मोल की ऑब्वियसली वैल्यू सेम होनी है पावर की, खाली साइन उल्टा होना है, एक प्लस है तो एक माइनस होना है और टाइम तो हमेशा माइनस वन ही रहना है। एंड अगर बाय चांस कोई एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो कैसे करेंगे बेटा, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, मोल माइनस टू हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑर्डर। मतलब एन माइनस वन करके लीटर की पावर रखते हैं एंड सो ऑन, ये आगे आ जाएगा। आई होप सो ऑर्डर या यूनिट क्लियर है आपको। एक बार क्वेश्चन से समझा देते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन जनरली बच्चों के गलत हो जाते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब एग्जामिनर ऐसे लिखता है ना तो जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑब्वियसली ऑप्शन पहला यही आपको मिलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन सेकेंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन That is liter per mole per second and चौथा या तो none of these या फिर whatever you can say
लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड ये दे सकते हैं। तो बेटा इसका यहाँ पे आंसर जो रहेगा डेफिनेटली इट विल बी यस। अधिकतर बच्चे सही पकड़े हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो दे रखा है ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से है द यूनिट ऑफ रेट, यहाँ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछी है और रेट तो हमेशा कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम ही होता है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होता है। और जो आप कुछ बच्चों के दिमाग में जल्दबाजी में आंसर आता है सेकेंड इनवर्स, ऑब्वियसली बेटा सेकेंड इनवर्स स्पेसिफिक रेट की यूनिट है, रेट की नहीं। स्पेसिफिक रेट अगर होगा तब आप यह कहेंगे सेकेंड इनवर्स, यहाँ रेट कहा गया है तो रेट तो हमेशा ही मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ओके दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है बेटा, अगर ये कहा गया है एट टाइम जीरो डिग्री जीरो और 10 सेकेंड 20 सेकेंड ठीक है या वॉट एवर द वैल्यू 10 मिनट 20 मिनट एंड सो ऑन, द स्पेसिफिक रेट इज, स्पेसिफिक रेट दे रखा है आपको, स्पेसिफिक रेट इज बेटा सपोज यहाँ वैल्यू दे रखी है 2.79 × 10⁻³ 2.79 × 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड एंड अगेन 2.79 × 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकेंड ये दे रखा है। नाउ दे आर आस्किंग गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ ऑर्डर आपसे पूछा गया है, ऑब्वियसली बच्चों इसका आंसर है ठीक है। ऑप्शन जो आपको दिए होंगे एक होगा जीरो, दूसरा होगा फर्स्ट, तीसरा होगा सेकेंड और चौथा होगा थर्ड। आई होप सो आपको सभी को क्लियर है कि ये वाला टर्म स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट दिख रहा है, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा। अरे भैया टाइम के साथ तो वैसे ही नहीं चेंज होता ठीक है, चाहे मिनट हो आवर हो टाइम के साथ तो ये चेंज होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ यूनिट जो दे रखी है वो यूनिट करस्पॉन्डिंग है सेकेंड ऑर्डर के लिए, इसलिए ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो के की यूनिट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचान लेते हैं और के की यूनिट अगर लीटर पर मोल पर सेकेंड है जैसा यहाँ तो सेकेंड ऑर्डर है, और के की यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स होता तो फर्स्ट ऑर्डर होता, और के की यूनिट और आर की यूनिट सेम अगर कहते, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आंसर जीरो ऑर्डर आता। तो ये जरा वर्ड थोड़े बहुत नियर बाई है तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करिएगा कि एक रेट वर्ड है और एक स्पेसिफिक रेट है, तो जहां स्पेसिफिक रेट है वहां यूनिट का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां ऑर्डर देखना है। जहां खाली रेट है उसमें मोल पर लीटर पर सेकेंड है, वहां ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बेटा जो तीसरी चीज है, अभी तक हम दो चीजें डिस्कस कर चुके, रेट डिपेंड करेगा क्या मतलब है। आई होप सो आपको मेरी आवाज आ रही है, लेट मी चेक बेटा, एक मिनट लगेगा मुझे चेक करने दीजिए। यस Kindly tell me, क्या आपको मेरी आवाज अब भी आ रही है या नहीं? I hope so, you are getting my voice. Okay, तो यहाँ पे order of reaction कह लीजिए निकालने का तरीका है, कह लें या हम simple भाषा कहते हैं कि किन terms पे order depend कर रहा है या order से क्या कुछ define। तो first is the rate, कि concentration जैसे हमने पिछली बार किया था 2 times के rate change नहीं हुआ, तो अगर rate change नहीं हुआ then it will be zero order। कंसेंट्रेशन और रेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। कंसेंट्रेशन और रेट अगर स्क्वायर के रिलेशन में आ रहे हैं या क्यूब में है तो रिस्पेक्टिवली सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। ओके आई होप सो यहां क्लियर है आपको। द सेकेंड हेडिंग, जो दूसरी हेडिंग हमने यहाँ पे पढ़ी है दैट इज यूनिट ऑफ के, तो ऑर्डर निकालने के लिए हम यूनिट ऑफ के का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं यूनिट ऑफ के का, कि अगर
यूनिट ऑफ के इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं लीटर रेस टू द पावर एन माइनस वन मोल रेस टू द पावर वन माइनस एन एंड टाइम इनवर्स. एंड ऑब्वियसली अगर लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर है, और खाली अगर टाइम इनवर्स है देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तीसरा जो है दैट इज ऑल्सो हाफ लाइफ. ठीक है बच्चों, तीसरा जो तरीका है दैट इज हाफ लाइफ. हाफ लाइफ क्या होता है बेटा? ठीक है, वो टाइम जिसमें जो कंसेंट्रेशन है वो 50% रह जाएगी, दैट इज हाफ. तो बच्चों यहाँ जो तीसरी चीज है दैट इज हाफ लाइफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. तो हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है ऑर्डर से? बेसिकली यही एक फॉर्मूला है, या चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें, बोथ आर सेम. तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर वन माइनस एन. कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर वन माइनस एन के हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब अगर कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू जीरो है, तो आप कह सकते हैं हाफ लाइफ एंड कंसेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बेसिकली ये कहना चाहते हैं अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास शुरू में, और 100 मॉलिक्यूल से 50 में चेंज होने में 5 मिनट लगे, तो 50 से 25 जाने में 2.5 मिनट लगे. दैट इज द टाइम इज डिक्रीजिंग. इनिशियल अमाउंट जैसे ही हमने कम किया तो टाइम भी कम हो गया, तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्लोप वही का वही रहा. पहले 50 मॉलिक्यूल को टूटने में 5 मिनट लगे थे, अब 25 मॉलिक्यूल को टूटने में 2.5 मिनट लगे हैं, तो रेट कांस्टेंट रहा. ऑब्वियसली दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जब रेट कांस्टेंट रहेगा तो रिएक्शन कहलाएगी जीरो ऑर्डर. तो याद रखना है हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेट इज कांस्टेंट. जंबल मत कर दीजिएगा, हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रेट कॉन्स्टेंट है. एंड अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो अगर आप यहाँ 1-1 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली इसका मतलब है हाफ लाइफ इज कांस्टेंट. तो अगर हाफ लाइफ कांस्टेंट है देन द ऑर्डर इज फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाफ लाइफ इज कांस्टेंट 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 एंड सो ऑन. अगर यहाँ एक्स टाइम लगा है, या लेट सपोज कह रहे हैं 5 days लगे थे, तो यहाँ पे भी 5 days लगेंगे, यहाँ पे भी 5 days एंड सो ऑन. तो अगर हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट है, आई मीन टू से हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन, चाहे 1 gram है चाहे 1000 gram है, हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सच रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है. तो यहाँ पे ग्राफ से भी हम इसे बता सकते हैं, फिलहाल हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, हाफ लाइफ डू नॉट चेंजेस विद टाइम और कंसेंट्रेशन. सॉरी, नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर ऑर्डर की वैल्यू 2 हो जाएगा तब क्या होगा? तो बच्चों ये याद रखना है, यहाँ पे आप 2 रख के देखिए फॉर्मूले में, -1 आएगा. दैट मीन्स हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट इज इनवर्स कहने का मतलब कि 100 मॉलिक्यूल लिए थे 50 तक जाने में 5 मिनट लिए, अब 50 से 25 तक जाने में 10 मिनट लग रहे हैं. दैट इज कंसेंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, हाफ लाइफ डबल हो रही है. दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. एक कम करने पे दूसरा ज्यादा हो रहा है. यहां से यहां आने में 5 दिन लगे थे और यहां से यहां जाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो 50 मॉलिक्यूल को तोड़ने में 5 दिन और 25 मॉलिक्यूल को तोड़ने में 10 दिन, यानी उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है. दैट इज रिएक्शन बिकमिंग डैम एंड डैम स्लो. तो वो रिएक्शन बहुत धीरे हो जाए. स्लो यहाँ पे भी हुई है, देख रहा है स्लो यहाँ कैसे हुई है? यहाँ 100 से 50 जाने में 5 मिनट और फिर 50 से 25 जाने में भी 5 मिनट. 50 मॉलिक्यूल टूटे थे 5 में, अब 25 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं 5 में. टाइम उतना ही है लेकिन अब मॉलिक्यूल आधे ही काम हो रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो रिएक्शन बिकमिंग स्लो. इट इज डैम स्लो. इसलिए फॉलोड बाई वॉट इज बेसिकली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जब आएगा तो हाफ लाइफ इनवर्स के स्क्वायर में चला जाएगा. दैट मींस स्क्वायर ऑफ इनवर्स, दैट इज सो सिंपली आप यू कैन से दैट अगर शुरू से 100 से 50 आने में 2 मिनट लगे थे, ठीक है 2 मिनट्स देयर, 50 मॉलिक्यूल 2 मिनट में रिएक्ट किए,
तो आगे इनवर्स करके स्क्वायर करके रिलेशन या और भी लग सकता है टाइम. दैट मींस रिएक्शन जो है पहले से मॉलिक्यूल कम होंगे लेकिन टाइम ज्यादा नहीं, ज्यादा के भी पावर्स में आने लगेगा. और वो अभी हम प्रैक्टिकल निकाल के तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम बेसिकली अभी इन तीन बातों को कर रहे हैं आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप रेट पे डिपेंड हो सकते हैं या रेट और कंसेंट्रेशन का रिलेशन देख के ऑर्डर बता सकते हैं, यूनिट ऑफ के देख के ऑर्डर बता सकते हैं, हाफ लाइफ देख के ऑर्डर बता सकते हैं. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑर्डर बताने का जो चौथा तरीका है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. वन इज डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, ये हो गई बेटा dx upon dt is equal to k, कंसेंट्रेशन जीरो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसेंट्रेशन की पावर वन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पावर टू है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन. ये तो है डिफरेंशियल रेट लॉ, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगी. व्हाट आई मीन टू से, इसी चीज का इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब क्या रिलेशन आएगा. तो जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आती है बच्चों, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगी C = C0 - KT. प्रूफ भी कर देंगे हम C = C0 - KT. अगर ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है. मतलब C और C0 और T दे रखे हैं सपोज दो या तीन बारी, और C दे रखा है लेट सपोज, हमने K की वैल्यू इनसे पुट अप करके निकाली, और अगर K की वैल्यू दो या तीन बार निकालने पे इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो रही है, हर बारी सेम आ रही है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग जीरो ऑर्डर. और अगर इसी फॉर्मूले में लॉग लग जाए, लॉग या एलएनसी कह लीजिए, एलएनसी नॉट कह लीजिए और माइनस के टी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है बच्चों. बस ये नेचुरल लॉग है, अदरवाइज 2.303 आएगा, लॉग विद द बेस ई अभी कह लीजिए, और अदरवाइज विद द बेस 10 हमें करना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, दोनों के ग्राफ सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ सी और टी में ग्राफ होगा, y = -mx + c, के स्लोप होगा और C नॉट इंटरसेप्ट होगा. और इस इक्वेशन में एल एन सी और टी में ग्राफ होगा, एल एन सी नॉट स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट होगा और के स्लोप होगा. तो जरा इस पे ध्यान रखो, इसीलिए बोर्ड पे ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि दोनों ही ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रेट लाइन है, y = -mx + c पे है, एक में ln एंड t के बीच में ग्राफ है, दैट इज नेचुरल लॉग और लॉग विद द बेस 10 और t के बीच में ग्राफ होगा, और एक में खाली c और t के बीच में, खाली c और t के बीच में ग्राफ है तो वो जीरो ऑर्डर का है, और ln या log c और t के बीच में ग्राफ है तो फर्स्ट ऑर्डर का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा. तो बेसिकली अब हमारे पास पांच तरीके हो गए हैं हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को निकाल सकते हैं. पांच तरीके क्या है, हम डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हाफ लाइफ से ऑर्डर बता सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड रेट से निकाल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यूनिट ऑफ के से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं. अब बच्चों में एक एक ऑर्डर की तरफ मूव करना है. व्हाट आई मीन टू से, एक एक ऑर्डर की तरफ यही वाले सारे पॉइंट एक एक ऑर्डर में लगाने हैं. जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आई होप सो आपको ये क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑर्डर. वो रिएक्शन जिसमें रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर. और यही जो हमने पीछे पांच पॉइंट पढ़े हैं उन्हीं को एज इट इज रिपीट करना है यहाँ पे. दिस रिएक्शन सिग्निफाइज ऑफ दैट इज जीरो. यानी रेट का पहला फॉर्मूला ये लिखते हैं, जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे रेट कांस्टेंट है. और अगर बेटा रेट कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या आएगा, इट इज अ कॉमन सेंस, रेट और टाइम में ये ग्राफ आएगा, यानी टाइम कुछ भी हो रेट कांस्टेंट रहेगा. नाउ अगर हम इसी में थोड़ा सा और मूव करना चाहें तो ये हमारी इक्वेशन जो है, मान लो ए से बी इक्वेशन है, ठीक है, ये इनिशियल टर्म सपोज सी नॉट है, ठीक है, ये टाइम है जीरो पे, और टाइम टी में एक्स रिएक्ट कर गया,
x is reacted. तो टाइम t के बाद बचा कितना है, c नॉट माइनस x रिमेन है. और अब मैं कह रहा हूं इसको इंटीग्रेट करके, इसका इंटीग्रेशन रेट लॉ निकाल के फिर आप बताइए कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आ रही है. तो आई होप सो ये क्लियर है आपको. dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और जो भी कंसंट्रेशन आप लिखना चाहें वो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर जीरो वन हो जाएगा. तो यहां से आ जाएगा dx is equal to k dt, something raised to the power 0, 1, वो हट गया. अब मैं कह रहा हूं इसको यहां से इंटीग्रेट करें, तो dx का इंटीग्रेशन और k dt का इंटीग्रेशन हमें करना है. तो बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड. तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो टोटल कंसंट्रेशन जो रिएक्ट हो रही है दैट इज उस c के वैल्यू पे आ जाएगा, और ये kt प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ ही जाएगा. और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ हमें i की वैल्यू निकालनी है तो हमने एट t इक्वल टू जीरो रखा, जिस समय हम टाइम जीरो रखेंगे उस समय i की वैल्यू आ जाएगी इजिली, और ऑब्वियसली i तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा. जब हम टाइम जीरो रखते हैं तो c की जगह में c नॉट रखना पड़ता है, और यही i की वैल्यू बेटा आप यहाँ पुट अप करते हैं, तो c इक्वल्स टू kt प्लस c नॉट आ रहा है, ठीक है. और यहाँ पे माइनस साइन चल रहा है स्टार्टिंग से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये माइनस साइन था dx माइनस माइनस dx अपॉन dt. तो इसलिए ये इक्वेशन अब हमारी आ गई, दैट इज c इज इक्वल टू c नॉट माइनस t. अब जरा चेक करिए, ये y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ, दैट मींस यहाँ आप लिखेंगे c और यहाँ आप लिखेंगे t. y और x में ये ग्राफ हो गया, ये बेटा इंटरसेप्ट हो गया c नॉट, और ये इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, k इसका आ गया स्लोप, c इक्वल्स टू c नॉट माइनस kt, ये इक्वेशन आया. नाउ जीरो ऑर्डर में आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट आपका आया r इज इक्वल टू k रेट कांस्टेंट है, दूसरा पॉइंट माइनस dx / dt k के इक्वल है, और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो c equals to c naught minus kt integration के बाद में आएगा. चौथा पॉइंट अगर यूनिट ऑफ k निकालनी है तो यही से निकाल दिया जाए k के फॉर्मूले से, तो बेटा यूनिट ऑफ k आ गया मोल पर लीटर पर टाइम, dx upon dt फॉर्मूला है इससे. पांचवा पॉइंट बच्चों इसमें अगर हम कहें हाफ लाइफ क्या आएगी, आई होप तो वेरी क्लियर है कि यहाँ पे ये kt क्या था, kt का मतलब क्या था, इतना शुरू में लिया है c नॉट, इस टाइम के बाद इतना बचा है, तो kt क्या है, कितना रिएक्ट किया, तो हाफ लाइफ में कितना रिएक्ट करता है हमेशा c नॉट बाई टू रिएक्टेड होता है. तो अगर c नॉट बाई टू रिएक्टेड है तो वो kt के इक्वल रखना है आपको, तो k इंटू टी हाफ इज c नॉट बाई टू, k इंटू टी होता है कितना रिएक्ट कर रहा है, हाफ लाइफ के समय c नॉट बाई टू रिएक्ट करता है, ओरिजिनल का आधा रिएक्ट करता है. तो यहाँ से बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ रहा है दिस वन, यहाँ दोनों चीजें डिवाइड वाली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी में भेज दीजिए और आप कह सकते हैं हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. पांचों पॉइंट हो गए, पांचों पॉइंट देखिए फिर से क्या क्या हुए हैं बेटा, ये देखिए मैंने लाइन से लिखे हैं, पहला रेट और कंसंट्रेशन के बीच की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ किया आ गया. दूसरा इंटीग्रेटेड या तीसरे में इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये अभी हमने ग्राफ की बात की है, तो ये आ गया. और इसके बाद यूनिट ऑफ के ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. अगर जीरो ऑर्डर है कंसंट्रेशन कम करेंगे हाफ लाइफ कम हो जाएगी, ज्यादा करेंगे हाफ लाइफ ज्यादा. बेटा ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो एग्जांपल वैसे तो कुछ लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी रिएक्शन का तभी आएगा. बट अगर हमें थ्योरेटिकली याद करने के लिए कहा जाए, जो साइंटिस्ट ने पीछे एक्सपेरिमेंट कर रखते हैं उनके हिसाब से, तो जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है क्योंकि वो सनलाइट की वजह से चलती है. लेकिन अगर ऐसे दे दिया और पूछा ऑर्डर किया है और ऑप्शन में अनप्रिडिक्टेबल है तो वही आंसर. लेकिन अगर ऐसे दिया है r प्रोपोर्शनल टू x टू की पावर 0,
Cl2 की पावर जीरो, बेटा ये रेट लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद से जो आया रेट लॉ एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो भैया इनकी पावर्स का सम ही ऑर्डर है, अब अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, अब रिजल्ट आ चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब जीरो ऑर्डर है। तो H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। या और कोई ऐसी कोई रिएक्शन है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चल रही है, जैसे ट्वाइस अमोनिया का टूटना मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में N2O3H2 में, तो बेटा ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर में आ जाती है अगर यू कैन से मोलिब्डेनम इज वेरी लेस, मतलब मोलिब्डेनम लिमिटिंग रिएजेंट है, उसी के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। और ऑब्वियसली कैटलिस्ट आर यूज इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, कैटलिस्ट आर ऑलवेज लिमिटिंग, ये चीज एक्सेस में होगी, जो रिएक्टेंट होगा हमारा वो कैटलिस्ट से यूज अप होगा। सरफेस केमिस्ट्री में पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है कैसे करते हैं इसे, तो यहाँ पे मोलिब्डेनम पे रेट डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं। हाँ अगर कह दिया अमोनिया इज वेरी वेरी लेस तो अमोनिया के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर भी हो जाती है, ये हमारे कोर्स में थोड़ा सा डिटेल है, बट इन जनरल इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हो गए। एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, बताइए। चलिए कल का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हैव ए नाइस टाइम।